हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। सामने आप देख रहे हैं सेलेरियो, और सेलेरियो का ये है अपने पास इस समय CNG। बिल्कुल परसों ही लॉन्च हुई है और भाई हमारे सामने आ गई, इससे बढ़िया क्या बात होगी। बहुत लोगों के आ रहे थे क्वेश्चन कि भाई उसे भी देखो, क्योंकि नया इंजन आया है इसमें। K10C इंजन था बाय द वे। जनरली जो आते हैं मारुति की गाड़ियों में जिसमें CNG आती है, उसमें K10B इंजन होता है, इसमें K10C था। डबल इंजेक्टर वाली टेक्नोलॉजी थी, तो इसमें उम्मीद बहुत कम थी कि इसमें आएगी CNG, नहीं आएगी। लेकिन भाई कर दिखाया मारुति ने। अब इससे बहुत बढ़िया है, ग्रीन सिग्नल भी है। आगे जो आने वाले हमारे मल्टीजेट जो आ रहे हैं ना इस समय इंजन, चाहे बलेनो की बात करें, चाहे फिर हम देखें स्विफ्ट में भी वही आ रहा है। डिज़ायर के लिए तो बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे लोग, क्योंकि एक ही ऑप्शन हो रहा था इस समय, ऑरा, उसके अलावा कोई था नहीं। तो आप उसमें भी आ सकते हो। सारी चीज़ें दिखाता हूँ, फिलहाल फोकस करते हैं इस पर। कीमत कितनी बढ़ी है? तो भाई कीमत बढ़ चुकी है करीब 96,000 रुपीज़, 96,000 रुपये पहले से। VXI में दिया है ये हमको। चार वेरिएंट आते हैं सेलेरियो में, LXI, VXI, ZXI, ZXI प्लस। तो नीचे से जो सेकंड है VXI, उसमें दिया है। पहले मतलब बिना उसकी बात करें अगर हम CNG की, सिर्फ पेट्रोल में ये पड़ती है हमको एक्स शोरूम प्राइस 5,62,000 रुपये। और अब देखते हैं अगर हम CNG के साथ, तो ये हमको मिल रही है 6,58,000 रुपये की। ठीक है, ये तो हो गया हमारा शोरूम प्राइस। अब ऑन रोड की बात करें कितने की पड़ रही है, तो उत्तराखंड में ये हमको पड़ रही है करीब करीब 7,50,000 रुपये की। उत्तराखंड रुद्रपुर में 7,50,000 की पड़ रही है। अब आप कहोगे सुनते ही 7,50,000 रुपये भाई मायने रखते हैं छोटी गाड़ी के लिए, तो बिल्कुल मायने रखते हैं। लेकिन एक चीज़ और सुन लो भाई, गाड़ियाँ वाकई में बहुत महंगी होंगी, खासकर CNG। जो राजा है इस सेगमेंट का खड़ा है वहाँ पर, मतलब वैगनआर CNG, वही इस समय ऑन रोड हो रही है। उसमें तो LXI में आता है, इस समय वो ऑन रोड पड़ रही है हमको करीब 7,07,000 रुपये की। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो, सिर्फ दोनों में करीब 45,000 रुपये का फ़र्क है, 45,000 का। अब 45,000 एक्स्ट्रा देकर कोई भी पूछेगा कि हमको इसमें एक्स्ट्रा मिल क्या रहा है, तो भाई वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ इसमें आपको। देख आ रही है कंपनी, सबसे पहले लुक्स वगैरह तो आपने देख लिया सारे, कैसे लग रही है कैसे नहीं, ये सब आप देख ही चुके हो। लुक्स में कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ करा कि यार मज़ा सा नहीं आया, तो भाई लुक्स ऐसी चीज़ है, धीरे धीरे देखते देखते सड़कों पे आते आते अपने आप आँखों में बस जाती है गाड़ी। कुछ ऐसा नहीं है, बार बार देखते रहें किसी चीज़ को, ठीक हो जाता है मामला। पैसों की बात आती है कि कितने पैसों में क्या मिल रहा है हमको। ये हमारे पास इसकी की चाबी जो है बिल्कुल सादी है, मतलब इसमें रिमोट वगैरह तो है नहीं। अब मेन चीज़ है ये देखते हैं कि इसमें सेंटर लॉकिंग है, मतलब की वाली है। इसमें 7,000 रुपये और ख़र्चा आ जाएगा आपका अगर यहीं से आप रिमोट लगवाते हो शोरूम से ही, सिर्फ ये है। लेकिन VXI है तो भाई ये तो मिल नहीं रहा, और क्या मिल रहा है? तो ये मिरर देख रहे हो आप, मिरर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल रहे हैं ये, ठीक, ये अच्छी चीज़ हुई। और उसके साथ साथ पावर विंडो जो है वो चारों डोर में मिल रही है। अब मैं ये दो फीचर एक्स्ट्रा क्यों बता रहा हूँ, ये देखो, सबसे पहले पावर विंडो ये है, ये दो बटन ये हुए और दो बटन ये यहाँ पर हुए, ठीक। तो अब ये दो फीचर मैंने क्यों एक्स्ट्रा बताया, क्योंकि जो वैगनआर LXI है उससे इसमें ये दो फीचर ही एक्स्ट्रा मिलते हैं हमको, और कुछ ज़्यादा ऐसा खास नहीं मिल रहा है। सारी चीज़ें अंदर, क्लस्टर देखें, क्लस्टर भी लगभग वही है। ये देखो एक बार दिखाई देता हूँ पूरा बढ़िया करके, ये हमको यहाँ पर स्टेयरिंग भी बिल्कुल वैसे ही लगता है, फील होता है जैसे वैगनआर का है। यहाँ पर क्लस्टर जो है हमारा वो भी वही है, ये देखो सेम वैगनआर वाले क्लस्टर है। तो भाई इस तरह से पूरा यहाँ पर हमको मिलता है बीच में हजार्ड का, बाकी ये हो गए हमारे पावर विंडो के बटन, और ये है जो कंट्रोल यहाँ पर मिलते हैं ना ट्रिम में, वो सारे कंट्रोल यहाँ पर मिल रहे हैं। सेंटर लॉकिंग का ये बटन हो गया, ये AC हो गया, तो इस तरह से यहाँ पर मिल रहा है। और हाँ, ये हमको डे एंड नाइट एडजस्टेबल मिल रहा है। बाकी स्पेस वगैरह तो ओके है, कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन जो एडिशन है वो यही है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर हमको CNG भी मिल चुकी है साथ में मीटर में। और यहाँ पर देखें हम एडजस्टमेंट, नहीं भाई एडजस्टमेंट इसमें नहीं है कोई भी, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट नहीं है। अब ये तो देख लिया आपने। अब CNG में दो चीज़ें मेन करती हैं, सबसे पहली चीज़ कीमत, और उसके बाद आती है इसका बूट। चलो बूट यहीं से खोलते हैं हम। तो ये भाई कुछ इसका बूट स्पेस, आप देख रहे हो। एक चीज़ बहुत बढ़िया करी है, जैसे वैगनआर में डीप होता था वैसे इसमें डीप दिया था। वैगनआर में 336 लीटर का आता बूट स्पेस, इसमें 313 लीटर था। जैसे ही बूट स्पेस मैंने देखा था जब ये लॉन्च हुई थी, मैं समझ आ गया था कि भाई इसमें अगर CNG लगेगी तो इसमें भी वही सेटअप आ जाएगा कि सिलेंडर नीचे रखा होगा, साथ में ऐसी स्टेप नहीं, वही चीज़ हुई। और इसका फ़ायदा क्या मिल रहा है, अब इसके ऊपर कुछ भी आप सामान रख सकते हो, आएगा टेढ़ा मेढ़ा करके, लेकिन भाई बड़ा बैग भी इसके ऊपर आ सकता है, रख सकते हैं, कम से कम इतनी जगह तो है। बाकी जिनकी चौड़ाई थोड़ी कम होती है वहाँ पर क्या करना होता है, सिलेंडर ऊपर उठ के स्टैंड पे लगता है, नीचे स्टेप नहीं लगती है, कुछ सामान आ नहीं पाता, यह इसमें फ़ायदा है। तो इस तरह का आपको सिलेंडर मिल रहा है। और अगर कैपेसिटी की बात करें कितनी है इसकी, तो भाई ये देखो आप, यहाँ पर प्लेट है,
60 लीटर कैपेसिटी दी हुई है, वही जनरल जो आ रहे हैं बाकी गाड़ियों में भी स्टैंडर्ड जो साइज़ है ना वही है, 12 किलो वाला और 60 लीटर यहाँ दिख रहा है आपको। ये रिनोजल यहीं से आप भरेंगे, तो इस तरह से आपको दिया हुआ है पूरा। यहाँ रख देते हैं हम इसको अंदर। तो भाई और कुछ इसमें खास ऐसे चेंजेस नहीं है, मेन जो चेंज है वो वही कि जो प्राइसिंग है हमारी वो बढ़ चुकी है करीब 96,000 रुपीज़ जो हमारे पेट्रोल वेरिएंट है उससे ऊपर, ये सीएनजी लग गया है। और अब देखते हैं जरा इसका हम इंजन बे, यहाँ से खोलते हैं इसको और ज़रा चेक करते हैं कि भाई उसमें कैसा खास दिया है, क्योंकि मेन चीज़ थी K10 C इंजन होता था जैसा आपको पता है सब। ये देखो ये कुछ इस तरह से, ज़रा यहाँ पर ये लगाते हैं हम। तो भाई ये है कुछ हमारा इंजन जो पहले था, उम्मीद इसमें करी जा रही थी अगर इसमें CNG देती है कंपनी तो भाई कहीं वही इंजन ना उठा के डाल दे जो एग्जिस्टिंग आ रहा है K10B वाला, लेकिन नहीं, मारुति ने भाई R&D करके कर दिया इसमें भी काम पूरा। मतलब ये देख लो कोई भी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड इसमें नहीं दिया हुआ, पूरा ब्लॉक बना दिया है और यहाँ पर ये EGR पता लग रहा है इससे कि वही K10C इंजन ही है, इसी में लग गई हमारी CNG किट। ये आप देख रहे हो यहाँ रिड्यूसर फिट कर दिया इस तरह से। और एक चीज़ कमी है कि इसमें अब जो फिजिकल गियर जाता था वो नहीं है, कॉस्ट कटिंग की भेंट चढ़ गया है वो, लेकिन फिलहाल मेन चीज़ है इसमें लग चुकी है। अब फ़ायदा क्या मिला है इसका अगर इसमें किट लगा दिया तो, भाई माइलेज, क्योंकि जैसे ही ये इंजन इंट्रोड्यूस किया था महंगी पड़ रही थी, ये कहा भी था कि भाई जो कॉस्टिंग लगी है वो R&D में और इंजन में लगी है, तो उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, तो फ़ायदा ये था कि भाई माइलेज इसका बढ़ चुका है काफ़ी ज़्यादा। पेट्रोल में ये गाड़ी मतलब करीब 25.5-26 का कंपनी क्लेम करती है, और CNG की बात करें तो 36 का माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है 36 का। अब इससे ये इंडिया की सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली कार, पेट्रोल में तो थी ही थी, अब भाई CNG में ही बन चुकी है। 36 का माइलेज अपने आप में मायने रखता है। इस चीज़ को कहा गया कि भाई वजन कम है इस वजह से दे रही है, ऐसा नहीं है, वजन भाई 800 किलो है, कम है, बाकी गाड़ियों का भी जो वैगनार वगैरह उनका भी उतना ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी जो टेक्नोलॉजी है वो इंजन की है उसकी वजह से माइलेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। अब इसमें 90 kg और जुड़ चुका है इसमें, तो जिस वजह से वो पीछे बूट में सिलेंडर वगैरह का वजन, तो भाई आपको पूरी 890 और करीब 900 किलो के करीब पूरा CNG सेटअप के साथ ये गाड़ी पड़ेगी। डबल इंजेक्टर थे जैसा मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर अपने लग रही हैं ये समय इंजेक्टर रेल जो CNG की है वो, और भाई यहीं अंदर 3 सिलेंडर हैं और 6 इंजेक्टर इसमें यूज़ हुए हैं। पेट्रोल में ये डिफरेंस होता है, बाकी CNG जब सेटअप लगता है तो आपको एक ही एक इंजेक्टर मिलता है CNG के लिए, ठीक। तो भाई इस तरह से पूरा का पूरा सेटअप है, ये आपने देख लिया, इसी चीज़ का 96,000 है, लेकिन जिनकी रनिंग ज़्यादा होती है भाई वो 96,000 कब में रिकवर हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो भाई ये है पूरा इंजन सेटअप, पूरा लेआउट, यहाँ पर कोई भी आपको क्लैडिंग कोई भी इंसुलेशन नहीं दिया हुआ। रीज़न उसका क्या है भाई, सुपर साइलेंट इंजन है, बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है, K10B से मतलब प्रीवियस जनरेशन से भी ज़्यादा साइलेंट है। एक बार मैं आपको सेल मार के दिखाता हूँ कितनी ज़बरदस्त, मतलब आप ये चीज़ देखो कितनी कम आवाज़ है, बिल्कुल ही साइलेंट है। और अंदर इसमें क्लैडिंग इतनी अच्छी कर रखी है, इंसुलेशन NVH लेवल बहुत डाउन रखे हैं, कैबिन के अंदर बिल्कुल फील नहीं होता। और अब आप ये देखो ये समय CNG पर आ चुकी है, सिर्फ जो हमारे इंजेक्टर हैं उन्हीं की आवाज़ है CNG पर किट 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 करके, उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं है, कैबिन सुपर साइलेंट है इसका। अब बात आ जाती है अगर इतनी बातें कर ली हैं कि भाई इसको लेगा कौन, तो बिल्कुल पहले ऑप्शन नहीं होता था अगर हम एक सस्ती CNG गाड़ी चाह रहे हैं, एक ऑप्शन ये था हमारे पास एस्प्रेसो, लेकिन इसको बहुत कम लोग ऐसे पसंद करते, कहते थोड़ा पैसा लगा देंगे, 20,000-21,000 गाड़ियाँ वही बिक रही थी वैगनार। अब उस कैटेगरी के लोगों के लिए एक थोड़ा सा ऊपर का प्रोडक्ट आ चुका है, कंपनी फिटेड सेंटर लॉकिंग हमको VXI में मिल रही हैं, और उसके अलावा जो हमारे मिरर हैं वो भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल रहे हैं, और सिर्फ जो डिफरेंस है वो करीब 45,000 रुपये का। तो इस तरह से थी गाड़ी, सारी चीज़ें आपने देखनी, गाड़ी कैसी लगी, आपकी ओपिनियन क्या है इस जो CNG वेरिएंट है सेलेरियो का VXI, उसको लेकर बताना ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, गाड़ी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्त का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार चैनल। जय हिंद।